18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही नागपुर जिले में बुधवार को 41,721 लाभार्थियों ने टीका लगवाया है। यह नागपुर में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड है। शहर में 23,703 व ग्रामीण में 18,018 लोगों को टीके लगे हैं। इसके पूर्व शहर में 10 अप्रैल को 16,451 टीके लगे थे। देश में 21 जून से 18 प्लस का टीकाकरण शुरू हुआ है, पर महाराष्ट्र सरकार ने 22 जून से संबंधित आयु वर्ग के टीकाकरण को मंजूरी दी। आज से नागपुर में 18 प्लस का टीकाकरण शुरू हो गया। मनपा व सरकारी अस्पताल में 106 केंद्र बनाए गए थे। संबंधित केंद्रों पर 22,221 लाभार्थियों ने टीका लगवाया, जबकि निजी केंद्रों पर 1,482 लोगों को टीके लगे। शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 20,261 और ग्रामीण में 13,982 लाभार्थियों ने संबंधित आयु वर्ग में टीका लगवाया। शहर और ग्रामीण के कई केंद्रों पर लंबी कतारें दिखी। सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण निशुल्क है, जबकि निजी अस्पतालों में शुल्क ले रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के द्वारा आज 18 प्लस के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और जैसी अपेक्षा थी, बड़ी आतुरता से नौजवान वैक्सीनेशन की राह देख रहे थे, उसी प्रकार का स्फूर्त प्रतिसाद सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिला। महानगर पालिका के 106 वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से नागपुर महानगर में आज 23,708 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और संपूर्ण ज़िले में 40,000 प्लस का वैक्सीनेशन हुआ। ये अपने आप में नागपुर शहर और नागपुर ज़िला मिलाकर के एक रिकॉर्ड है। अपेक्षा है कि आज पहला दिन था, आने वाले समय में नौजवान इसी प्रकार का स्फूर्त प्रतिशत और देंगे, ऐसा विश्वास है। और हाँ, एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होने के बावजूद किसी प्रकार की भगदड़ नहीं थी, भीड़ नहीं थी, बड़ी सहजता से, डिसिप्लिन में, अनुशासित तरीके से पूरा का पूरा वैक्सीनेशन संपन्न हुआ। नौजवान आज ही की तरह कल भी प्रायर रजिस्ट्रेशन करा करके, पहले रजिस्ट्रेशन करा करके जो स्लॉट उन्हें मिला है उस स्लॉट में मिले हुए समय के हिसाब से जाएं तो अनुशासित तरीके से वैक्सीनेशन करने में सहयोग मिलेगा। मैं सारे नौजवानों का अभिनंदन करता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।